नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष योर सीएससी गाइडर पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल और फायरमैन की वैकेंसीज के बारे में। देखिए यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर कोस्टमैन और फायरमैन की वैकेंसी के लिए, जो कि आपकी स्टार्टिंग डेट है 3 जनवरी। मतलब ये फॉर्म आपके 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं। इसी फॉर्म की आज प्रॉपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कोई वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वैसे काफी सारी वीडियो दोस्तों आपके लिए लाता रहता हूं जो काफी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों आपके लिए, और आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारी वीडियो दोस्तों वो है आपके कांस्टेबल और फायरमैन की वैकेंसीज के बारे में। देखिए इसकी स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों वो है आपकी 3 जनवरी, मतलब 3 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपकी इसकी 16 फरवरी। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे अभी कोई डेट नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल आपको एग्जाम मंथ दिया हुआ है जो कि है जून 2022। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं पे करनी होगी, आपको सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे अगर फायरमैन फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए 18 to 25, और अगर मैं बात करें अदर किसी पोस्ट के लिए तो यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए 18 to 22। तो ये अगर फायरमैन फीमेल है तो 18 से 25 तक, और अदर कोई भी की पोस्ट है तो वहाँ पे आपकी होगी 18 to 22। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी एज कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी, तो वो होगी 1/7/2021, मतलब इस डेट तक आपकी एज 22 और 25 के अंडर होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद होगा पीएमटी एंड पीईटी टेस्ट। अब बात करें पीएमटी और पीईटी टेस्ट क्या होता है दोस्तों, तो पीएमटी का मतलब होता है फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट, और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो है आपकी 1521 वैकेंसी आपकी टोटल वैकेंसी है। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी की, तो मेल कॉन्स्टेबल के लिए आपके पास यहाँ पे है 785 वैकेंसीज, और यहाँ पे पीएससी आईआरबी मेल कॉन्स्टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास वैकेंसीज हैं 291, और फायरमैन मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे हैं 445 वैकेंसी। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें पीएससी और आईआरबी मेल कांस्टेबल की, तो पीएससी और आईआरबी क्या होता है, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें प्रोविंशियल आर्मर्ड कांस्टेबलरी, और उसके बाद अगर हम बात करें आईआरबी की, तो इसका मतलब होता है इंडियन रिजर्व बटालियन। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी वो है 291। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए ही आपको सिर्फ 12th पास होना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पुलिस कांस्टेबल मेल की, तो यहाँ पे जनरल के लिए 416 है, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 यानी 79, एससी के लिए 149, एसटी के लिए 31, टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 785। उसके बाद यहाँ पे बात करें पुलिस कांस्टेबल मेल पीएससी और आईआरबी के लिए, तो यहाँ पे जनरल के लिए है 154, ओबीसी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 29, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 12, और टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 291। सेम फायरमैन मेल और फीमेल के लिए जनरल में 237, ओबीसी में 62, ईडब्ल्यूएस में 44, एससी में 85, एसटी में 17, और टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 445। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकली एलिजिबिलिटी की, तो यहां पे देखिए अगर आप कांस्टेबल मेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और अगर आप हिली एरिया से हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे बात करें हिली एरिया क्या होता है, तो हिली मतलब होता है पहाड़ी, पर अगर आप पहाड़ी एरिया से हैं तो यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे बात करें दोस्तों अगर आप फायरमैन मेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और सेम अगर आप हिली एरिया से, तो आपकी 60 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप फायरमैन और फीमेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट और फायरमैन के अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर, और अगर आप हिली एरिया से हैं, तो आपकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और कम से कम आपका 45 केजी वेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर हम कांस्टेबल मेल में चेस्ट की, तो देखिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी से हैं, तो आपके 78.8 to 83.8 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, मतलब आपकी जो नॉर्मल चेस्ट है वो होनी चाहिए आपकी 78.8, और हवा भरने के बाद आपकी चेस्ट में वो हो जानी चाहिए 83.8
एट। और अगर आप एसटी कैटेगरी से यहाँ पर हिली एरिया से हैं तो आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए 76.30, और जो हवा भरने के बाद जो आपकी चेस्ट है वो होनी चाहिए 81.30 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑल कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पे फायरमैन की, तो यहाँ पे अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी है आपकी सभी कैटेगरी के लिए सेम है यहाँ पे 81.32 86.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है आपके ये उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा 3 जनवरी को आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों जिसको ये फॉर्म अप्लाई करना है फटाफट से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है 3 जनवरी से। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।